मैं रेड कॉलिन सुंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे 16 शब्दों के सम्मोहित कर देने वाले इस लयबद्ध मंत्र ने न्यूयॉर्क के पूर्वी इलाके में एलएसडी और दूसरे ड्रग्स की जगह ले ली है। सेकंड एवेन्यू की पहली गली में एक दुकान है जिसमें स्वामी ने अपनी दुकान लगाई है। वहां पर उनके अमरीकी भक्त कृष्ण भावनामृत समझ रहे हैं। सन 1965 में भक्तिविदान स्वामी ने एक मालवाहक जहाज द्वारा कलकत्ता से न्यूयॉर्क की यात्रा की। यदि कोई आपको ये कहानी बताएगा तो आपको यकीन नहीं होगा। इन्हें देखिए, ये 70 साल के हैं। इनके पास पैसा नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कामयाबी मिलती है। इन्होंने एक प्रयास किया और वो एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। वे केवल प्राचीन भक्ति ग्रंथों के अपने अनुवाद लेकर आए थे। मैं एक क्रांति की शुरुआत करना चाहता हूँ इस भौतिकतावादी सभ्यता के विरुद्ध। ये मेरा लक्ष्य है, ताकि पूरा संसार प्रसन्न रह सके। जब वे अमेरिका आए थे तो अमेरिका मुश्किल दौर से गुजर रहा था और उन्होंने वहां की प्रति संस्कृति को एक अलग प्रकार की क्रांति से ध्वस्त किया। प्रभुपाद अमेरिका में एक असाधारण समय पर आए। हमारा अमरीकियों से यही कहना है कि अखबारों में भी वही कहिए जो सच है। हर कोई प्रश्न पूछ रहा था, हर कोई बेहतर जीवन की खोज में था। शुरू करो, धुन में बंद करो। टिमोथी लिहरी आए ड्रग माफिया के साथ, पर वह काफी नहीं था। हम ऐसा जीवन चाहते थे जिस पर ड्रग का प्रभाव ना हो। तभी अचानक पूर्व से ऊर्जा की लहर आई। लोगों ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया। हमें इस बात का एहसास था कि पूर्वजों के पास कुछ तो ज्ञान था कि हर मनुष्य में अच्छाई होती है और समझदारी भी। प्रभुपाद यहाँ बिल्कुल उसी ऐतिहासिक वक्त के दौरान आए और वो बिल्कुल उनके बीच में जाकर बैठ गए। कितनी जिज्ञासा का विषय था वो, केवल उनकी तरफ देखना भी कितना विस्मयकारक होता था। वाह, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, जो किसी ऐसी जगह से आ रहा था जिसके बारे में सब अज्ञान थे और जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता था, और इसीलिए जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने कहा, ये आंदोलन भटकी हुई सभ्यता में क्रांति लाने के लिए है। प्रभुपाद महान संस्कृति को लेकर आए और उनसे पहले आए हुए लोगों की महान शिक्षाओं को भी लाए। हर व्यक्ति ये सोचता है, मैं अमरीकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, किंतु मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। यदि मैं देखता हूँ इस व्यक्ति को, इस आत्मा को संघर्ष करते हुए जैसे मैं अपने शरीर में कर रहा हूँ, तो अचानक हम एक परिवार बन जाते हैं और मुझे उनसे प्रेम करने का कारण मिल जाता है। ये एक गहरी बात थी। उन्होंने हमारे भौतिक जीवन को चुनौती दी थी और हम में से बहुतों को लगा कि जैसे हम बस वही सुनना चाहते थे। हमारा लक्ष्य है ये देखना कि सभी प्रसन्न रहे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी को दुख पहुंचाकर सुखी हो, नहीं, हम हर किसी को सुखी देखना चाहते हैं, किंतु वे लोग नहीं जानते कि सुखी कैसे हुआ जाए। हरे कृष्णा मंत्र तथा आंदोलन और स्वामी जिन्होंने ये सब शुरू किया।
मैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऐसे ही घूम रहा था, फिर थेवेन को देख रहा था बिना किसी मित्र के, बिना साधनों के। सच कहूं तो मैं एक गुमक्कड़ की तरह आया था। Without any friend, without any means, practically just like a vagabond. प्रभुपाद किसी ऑफिस की बिल्डिंग में रह रहे थे, कभी एक ऑफिस तो कभी दूसरा ऑफिस। ठंड के मौसम का भयानक प्रकोप, न्यूयॉर्क के मौसम से प्रभावित जगहों में रात में 4 से 8 इंच बर्फ जमी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बर्फ किस तरह का होगा, उन्होंने कभी बर्फबारी नहीं देखी थी। मेरा लक्ष्य था यहाँ न्यूयॉर्क में एक मंदिर शुरू करना। वे कई चिट्ठियां लिखकर भारत के उद्योगपतियों को भेजते थे मदद या सहारा मांगने के लिए, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन देने वाला कोई भी पत्र नहीं मिला या मदद का हाथ बढ़ाने वाला कोई पत्र भी नहीं आया। उनकी उम्र 70 साल हो गई थी, वे इस अपरिचित देश में अजनबी थे। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। वाओ। मैं क्या कर सकता हूँ, ये लोग तो मांस मदिरा और काम वासना के पीछे है, तो ये मेरी बात कैसे मानेंगे, कैसे ये लोग तत्वज्ञान को समझ पाएंगे। वे लोग कहेंगे कि कृपया घर चले जाइए। आप सोचकर देखिए उनके लिए 19वीं शताब्दी में रहना कितना मुश्किल रहा होगा, वो भी ब्रिटिश कालीन भारत में। अमेरिका की छवि वैसे ही थी जैसे लाइफ मैगजीन में दिखाई जाती थी, रुखे लोग, एक राक्षसी औद्योगिक राष्ट्र। हजारों सवाल थे और कोई जॉब देने वाला नहीं था। जरूरतों को कम करने के लिए, खुद पर नियंत्रण रखने का संदेश देने के लिए सोचना, कृष्ण के प्रति प्यार, भगवान के प्रति प्यार जगाना बहुत मुश्किल था, और अब उन्हें यही करना था। उनके गुरु ने उनसे निवेदन किया था कि पश्चिम की तरफ जाओ और कृष्ण का संदेश अंग्रेजी भाषा में दो, पूरे संसार में जाकर उनका ज्ञान फैलाओ। मैं अपने कुछ पुस्तकें साथ ले आया था, जैसे श्रीमद् भागवतम, और मैं स्वयं ये पुस्तकें दुकानदारों को बेचता था बहुत कठिनाई से। न्यूयॉर्क एक बहुत महंगा शहर है और मैं ठहरा एक गरीब मनुष्य। मेरा पूरा सामान, मेरा टाइपराइटर, मेरा टैप रिकॉर्डर, सब कुछ चोरी हो गया था। इस प्रकार मैं बहुत ज्यादा निराश हो गया। और मैंने शिपिंग कंपनी में जाकर पूछा कि अगला जहाज भारत कब जा रहा है। उन्होंने ऐसा 2-3 बार किया। शिपिंग काउंटर के क्लर्क ने उनसे पूछा, स्वामी जी आप बार बार पूछते हैं कि जहाज कब जाएगा, परंतु असल में आप कभी जाते नहीं हैं। मुझे कुछ ज्यादा आशा नहीं थी, ऐसे में मैंने एक कविता लिखी, कृष्ण तुम मुझे इस देश में क्यों लाए हो, मैं क्या कर सकता हूँ, पर चूंकि आप मुझे यहाँ लाए हो तो इसके पीछे जरूर कोई उद्देश्य होगा, तो ठीक है आप मुझे जैसे नचाना चाहो नचा लो। अक्सर ये स्वामी योगी जैन मास्टर्स अमीर लोगों के पास जाते थे और उन्हें अमीर लोग स्पॉन्सर करते थे, पैसे देते थे। कृष्णमूर्ति जैसे लोग जो पूर्वी इलाके की तरफ बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं और ड्राइंग रूम्स और फ्रेंच फर्नीचर के साथ, और यहाँ आपको भक्ति वेदांता कलकत्ता की गलियों का आभास देगा, जहाँ हिप्पीज थे, एसिड वाले लोग थे और कुछ पागल लोग, एम्फेटामाइन लेने वाले और मेथ लेने वाले।
तो ऐसा लग रहा था कि वो सच में गीतों और रोशनी की किरण ला रहे थे सही जगह पर, उन जगहों पर उसकी जरूरत थी। हिप्पी बनने के अलावा मैं एक खोजी था, एक साधक, क्योंकि मेरे बाल लंबे नहीं थे और मैं सच में खुद को एक हिस्सा नहीं मानता था उस वैकल्पिक क्रांतिकारी आंदोलन का। पर कुछ तो था मेरे अंदर जो मुझे कहीं और खींच रहा था। मैं पहली बार प्रभुपाद से मिला मैनहट्टन की ग्रैंड स्ट्रीट पर, क्रॉस टाउन बस में था। मैं अचानक एक व्यक्ति से मिला जिसे मैं जानता था और उसने मुझे कागज पर लिखा हुआ एक पता दिया और कहा, ये एक भारतीय स्वामी का पता है, वो सप्ताह में 3 बार प्रवचन देते हैं और मेरे विचार से तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। जब मैं पहली बार प्रभुपाद से मिला तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ कि वे कितने बुजुर्ग हैं और उनके पास कितना ज्ञान है और वे अकेले भी हैं, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे उनका साथ देना चाहिए। मैं सड़कों पर भटक रहा था और कुछ लड़कों ने मुझे देखा और वो धीरे धीरे मेरे पास आए। फिर मैंने मुकुंद से एक घर ढूंढने के लिए कहा। मैं अखबार की एक दुकान पर गया और वहां मैंने एक विज्ञापन देखा 26 सेकंड एवेन्यू का। वो एक मैचलेस गिफ्ट नाम की भेंट वस्तुओं की दुकान थी। वे लोग दुकान से बोर्ड हटाने ही वाले थे और उन्होंने उनसे कहा, नहीं नहीं, हमारे पास जो है वो मैचलेस गिफ्ट्स ही है। वहां 7 या 8 से ज्यादा लोग नहीं रहते थे, उनमें से कुछ खोजी और हिप्पी थे और कुछ ऐसे ही आकर बैठने वालों में से थे। वो एक विभिन्न प्रकार के लोगों का समूह था। मैं अंदर आया तो मैं थका हुआ था और उन्होंने कहा, अगर तुम थके हुए हो तो यहाँ सो जाओ, तुम्हारा ये पहला दिन है। एक चीज जो अक्सर होती है, जो लोग इस तरह से आते हैं और वो कभी वापस नहीं जाते। आप एक बार आए तो यही के हो गए, क्योंकि स्वामी के पास वो है जिसकी तुम्हें तलाश है। उन्हें वो शांति नहीं मिली है, मन की या संसार की शांति, जिसकी उन्हें इच्छा है। हमने सोचा कि प्रभुपाद एक प्रामाणिक व्यक्ति है, पाखंड से दूर, जिसे लोग, विशेषतया युवक लोग, बिल्कुल पसंद नहीं करते, और हमें उन चीजों में कोई भी ढोंग नजर नहीं आया जो भी चीजें प्रभुपाद ने सिखाई या जो भी उनका व्यक्तित्व था। प्रभुपाद की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बहुत ही, एक शब्द में मैं कहूँ तो, प्यारे थे। उन्होंने उन्हें अपनाया और मंदिर में उनका स्वागत किया, और रसोई बनाने में उनके जैसा कोई नहीं था। वे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते थे। वे प्रीति भोजन के लिए आते थे। हर रविवार मैं उन्हें अच्छा भोजन खिलाता था, कम से कम 200 लोगों को। प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 लोगों का खाना मैं स्वयं बना रहा था। वो अन्न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक ही नहीं, अपितु बहुत पवित्र भी था। गीता में कृष्ण कहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, जैसा कि ताजे फल और अनाज, तो हमें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है, बहुत सस्ता और बहुत देर तक चलता है। इसे बनाना भी आसान है और हम बहुत आनंद लेते हैं। जब बौरी में पहली बार प्रीति भोजन हुआ, तब प्रभुपाद का व्यवहार बहुत मिलनसार और प्रसन्न था। वे हमेशा मुस्कुराते हुए दिख रहे थे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। वे एक मित्र की तरह थे और वे एक पार्टी दे रहे थे। ये उनकी पार्टी थी, वो केवल इतना चाहते थे कि सब प्रसन्न रहे। प्रभुपाद युवकों के साथ बाथरूम के लिए कतार में खड़े होते थे, उन्हें भोजन परोसते थे और उनके बर्तन धोते थे, जब तक आखिर में थोड़ी देर के बाद किसी ने पूछा, क्या हम आपकी कुछ मदद करें? इन्हें कोई बदतमीजी पसंद नहीं थी, पर वे उनसे अचूकता की अपेक्षा भी नहीं रखते थे। वे केवल इतना चाहते थे कि जो यहाँ रहना चाहता है वो कुछ प्रयास करे। हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं, वही हम कर रहे हैं, और हमारे पास काम भी है करने के लिए। हमने हाल ही में कुछ मिमियोग्राफ मशीनें खरीदी हैं, जिससे हमारी प्रिंटिंग में सहायता हो रही है। मेरे अधिकतर शिष्य इस LSD के जाल में फंसे हुए थे, पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। वे मांस नहीं खाते, उन्हें मदिरा नहीं चाहिए, उन्हें सिगरेट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। प्रभुपाद ने नियम बनाया, यदि तुम सच में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति चाहते हो तो कम से कम साफ सुथरा जीवन जीना, प्रतिदिन नाम का उच्चारण, और फिर तुम परिणाम देखोगे।
मेरा लक्ष्य है प्रचार करना हरे कृष्ण के जप के तत्व ज्ञान का। ये दिव्य ध्वनि समान रूप से आकर्षक है सभी के लिए। बिना किसी भाषा की चिंता किए या राष्ट्रीयता, पंथ या जाति की, क्योंकि ये आत्मा की गहराई से बाहर आती है। जो पहली बात उन्होंने हमें कही वो थी नाम जप करना, जो एक बहुत शक्तिशाली पद्धति है। ये हर किसी के लिए काम करती है। यदि मैं रेमन 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 इस शब्द पर ध्यान लगाता हूँ तो वह बिल्कुल समान नहीं है। कृष्ण शब्द भगवान है। आप गा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, आपका मन पूरी तरह भगवान के विचारों में है। किसी भी प्रकार के योग का यही तो पूर्ण लक्ष्य है। जो कोई हरे कृष्ण का उच्चारण करता है, तुम्हें पूरा मंत्र पता है? कुछ ड्रग लेने वाले घटिया स्तर पर रहते हुए ऊंचाई पर कार्य कर रहे हैं और हम ऊंचाई वाले स्तर पर रहते हुए निम्न स्तर पर कार्य कर रहे हैं। क्या तुम यह विस्तार से बताओगे? तुम्हें समझ में आया? वे ऊंचाइयों पर कार्य कर रहे हैं वो लोग, वे ये भावना। हमें किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पीछे मुड़कर देखें तो हम वे लोग थे जिनके माध्यम से प्रभुपाद इस आंदोलन को फैलाने का प्रयास कर रहे थे। हम नालायक लोग थे। कुछ तैयारियां चल रही थी मुझे इंग्लैंड भेजने की, मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद बैरिस्टर बनने के लिए। मेरे पिताजी ने मना कर दिया। नहीं, मेरे पिताजी मुझे ऐसा बनाना चाहते थे, जानो सब कुछ जो हो रहा है। वे नहीं चाहते थे कि मैं सांसारिक मनुष्य बनकर पैसे कमाऊं। वे कभी नहीं चाहते थे। हम सो रहे थे, पिताजी आरती कर रहे थे, डिंग 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 डिंग। पूजा उनका मुख्य कार्य था। मैंने अपने पिताजी से विनती की, पिताजी मुझे मूर्ति दीजिए, मैं पूजा करूंगा। तो पिताजी ने मेरे लिए एक छोटे राधा कृष्ण खरीदे और मैं उनकी नकल करने लगा। हमें सिखाया गया था कि चावल के दाने मानव ने नहीं बनाए, ये भगवान ने भेजे हैं। यह भगवान की कृपा है, यही भगवत भावना है। ऐतिहासिक रूप से भारत एक ऐसी जगह है जहां सामान्य जीवन में भी सभी के लिए भगवान की इच्छा के साथ तालमेल बिठाकर जीना आसान है। ये एक ऐसी संस्कृति थी जहां सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु है कृष्ण भक्ति। भारत की उस आध्यात्मिक संस्कृति का मानना है कि पूरे इतिहास में मानवता के लिए समय समय पर आध्यात्मिक पुनरुत्थान की हमेशा जरूरत रही है। 500 वर्ष पूर्व कृष्ण की भक्ति के प्रथम अन्वेषक महान गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु 15वीं सदी के अस्त व्यस्त जगत में भारत में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन एक पवित्र ध्वनि का आंदोलन था और लोग रास्तों पर इकट्ठा होकर गाते और नाचते थे। चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय लिया अपने भक्तिमय आंदोलन को भारत के कोने कोने तक ले जाएं। उन्होंने यदि लाखों नहीं तो कम से कम हजारों लोगों को प्रेरित किया कि वे कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करें। लोग ये समझने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है ये आंदोलन है किस लिए? ये समझने के लिए है कि हम ये शरीर नहीं हैं और हम सभी भगवान के बच्चे। जहाँ भी जीवन है वही पवित्रता है। और संकीर्तन में सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सभी शामिल हुए और वे सड़क सड़क पर जा रहे थे और वे हर घर में गए। चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम केवल कृष्ण का ही नाम जपो। यदि तुम्हारे पास अपने खुद के भगवान हैं
और यदि तुम्हें उनका नाम और पता मालूम है तो तुम उनका नाम जपो। फिर प्रभुपाद ने कुछ ऐसा किया जो अमेरिका के लिए अनोखा था। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब सही समय है कि इस कीर्तन संगीत और नृत्य को बाहर सड़कों पर ले जाया जाए, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व किया था। उन्होंने उन जैसे व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उन्हें देखकर लगता था जैसे ब्रह्मांड के प्रधानमंत्री हो। उन्हें देखकर कुछ अजीब सा लगता था, पर जब वे हंसते थे तो पूरे विश्व को अपना बना लेते थे। वे समुद्र की तरह थे और आप भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। उनके पास कोई ड्रम या कोई वाद्य यंत्र भी नहीं था। वे तो बस जो भी उनके पास था बजाने लगते थे ताकि लय बनी रहे। परंतु उनके पास नाम था, भगवान नाम। वे इतनी श्रद्धा से उसका कीर्तन करते थे कि पूरे ब्रह्मांड के लोग उन तक खींचे चले आए। सबसे पहले हाथ से बजाने वाली मंजीरे की आवाज सुनी और मैं उस आवाज के पीछे पीछे गया जब तक मुझे वो जगह न मिली, और मैं आश्चर्यचकित हो गया। अद्भुत दृश्य। इसका अर्थ, मुझे मंत्र सीखने के लिए भारत जाने की जरूरत नहीं। ये आनंद विभोर साधुगण हैं जो मंत्र को मुझ तक लाए थे, वो भी मुफ्त में। कृष्ण का नाम जपना एक परंपरा है जो भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है। जब इसे बार बार जपते हैं पूरी आध्यात्मिकता से, तो वो आपको स्वयं कृष्ण की ओर खींच लेता है। उन्हें समझ आ गया था कि यदि हरे कृष्ण का कीर्तन पूरी दुनिया के रंग मंच पर आ जाता है तो उससे क्या हो सकता है। यदि वे लोग इस नाम जप को, दिव्य ध्वनि को स्वीकार करें तो मन साफ रहेगा और वे अपनी वास्तविक पहचान को देखेंगे। ये पूरे समाज की सामूहिक चेतना को जगाना जैसा था और ये सभी प्रकार के आश्चर्यकारक बदलाव ला सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में तस्वीर छपी, शीर्षक था, स्वामी के झुंड को उद्यान में आनंद मिलता है। प्रभुपाद ने कहा, द टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क विश्व का सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। ये लेख मेरे आंदोलन की शुरुआत का चिन्ह बन गया। उन्होंने मुझसे मेरे जीवन के बारे में पूछा और मैंने बताया कि मैं पूरा यूरोप घूम चुकी हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, ओह, इतनी छोटी हो और तुम इतना सब घूम चुकी हो। और मैंने कहा, हाँ स्वामी जी, पर इस सब से भी मुझे खुशी नहीं मिली। तब उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और कहा, हाँ यह बहुत जरूरी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कृष्ण ने मेरी मदद के लिए अच्छे लड़के और लड़कियों को भेजा है। मैं हिप्पी लोगों को दोष नहीं देता। वे लोग शिक्षा की इस आधुनिक पद्धति से निराश है। वे लोग कुछ उत्कृष्ट चीज खोज रहे हैं। 60 के दशक की एक खास बात ये थी, उस दौरान बहुत सारी बातों पर सवाल उठाए गए।
संसार की हालत बहुत बुरी थी, पृथ्वी का विनाश कर रहे थे, हम एक दूसरे का विनाश कर रहे थे, अतः उसका कोई हल होना चाहिए। छोटी उम्र से ही श्रील प्रभुपाद वो उपाय ढूंढ रहे थे। वे गांधीवादी थे। मैं गांधी जी का छात्र था। सन 1920 में मैंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। प्रभुपाद गांधी के आंदोलन की तरफ इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि ये अहिंसक प्रयास था, एक विद्रोह ऐसी परिस्थितियों के विरुद्ध जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। किंतु जब वे अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं तो कुछ अलग लगता है। उन्हें याद दिलाया जाता है कि यहाँ एक दूसरे प्रकार का आंदोलन चल रहा है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक बड़े उद्देश्य के लिए, राजनीतिक हेतु नहीं अपितु आध्यात्मिक हेतु। सन 1922 में मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास ले जाया गया मेरे एक मित्र के द्वारा। भक्ति सिद्धांत के बारे में सब कुछ उनकी आध्यात्मिक गंभीरता दर्शा रहा था। वे आध्यात्मिक गुरुओं की एक ऐसी श्रृंखला में आते हैं जो 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का मुख्य संदेश था, तुम आत्मा हो। इसे ही शरीर में जीवन का संचार करने वाली चेतना कहते हैं। और उस जीवन का स्वरूप क्या है? वो शाश्वत है, वो पूर्ण रूप से आत्मज्ञानी है और आनंदमय हर्षमय है। उन्होंने कहा, क्यों नहीं तुम इस संदेश का प्रचार पश्चिमी देशों में करते? ये बहुत ही महत्वाकांक्षी विचार था और प्रभुपाद ने भी समझा कि इसका क्या महत्व है। मैंने उनसे कहा, आपका संदेश कौन सुनेगा? हमारा देश गुलाम है, हम वशीभूत हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मेरे तर्क का खंडन किया। ये तथाकथित राष्ट्रवाद या कोई भी वाद, ये सब क्षणिक है। वास्तविक आवश्यकता आत्म साक्षात्कार की है। ये एक सार्वभौमिक संदेश था और इसे पूरी दुनिया में वितरित करना बहुत जरूरी था। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैं समझ गया कि यही वे सुयोग्य व्यक्ति है जो धर्म का यथार्थ ज्ञान दे सकते हैं। यह प्रभु साक्षात्कार क्या होता है? क्या होता है जब कोई घटना पूरी तरह से जीवन को बदल देती है? मैं उसी क्षण उनसे जुड़ जाता, लेकिन अब मैं विवाहित हूं। कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, ये तो अन्याय होगा। किंतु मैंने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया अपने हृदय में। उस समय मैं अपनी बड़ी फार्मेसी चला रहा था और उस फार्मेसी के मालिक के रूप में मेरा बड़ा नाम था। मेरा व्यापार समृद्ध हो रहा था। फिर उनके गुरु ने उनसे एक और आग्रहपूर्ण अनुरोध किया, इस बार एक पत्र भेजकर। जो भी तुमने मुझसे सीखा है उसका प्रचार लोगों में अंग्रेजी भाषा में करने का प्रयास करो। इससे तुम्हारा भला होगा और उन लोगों का भी जिन्हें तुम ये उपदेश दोगे। ये मेरी आज्ञा है। और फिर 1936 में वे भगवत धाम चले गए। खतरा बढ़ता जा रहा था।
हर कोई पूरी ताकत लगाने को तैयार था कि परिणाम जो भी हो पर अब फैसला हो ही जाना चाहिए। मैंने बैक टू गॉड हेड पत्रिका शुरू की सन 1944 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जन्मदिन पर। उनके लिखे हुए लेखों में किस तरह मानवीय लोभ की वजह से दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनी इसका विवरण था। किस तरह से लोगों और राष्ट्रों के आपसी संघर्ष का मूल कारण आध्यात्मिक जागरूकता का अभाव ही है। वे लड़े और कितनों की जाने गई और मृत्यु के बाद कोई भेदभाव नहीं रहा। कौन हिंदू है कौन मुसलमान, नगरपालिका के कर्मचारी इकट्ठा हुए लाशों के ढेरों को कहीं फेंक देने के लिए। कभी कभी मैं सपना देखता था, मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझे बुला रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूं। उनके बच्चे बड़े हुए और पाठशाला में थे, उनका विवाह हुआ और अब समय था। आखिर में उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। बाबा का अर्थ पिता, मैं उनका पुत्र हूं और वो मेरे पिता। मैं प्रभुपाद की आखिरी संतान हूं, सबसे छोटा और आखिरी। वे मर्यादा की मूर्ति थे, साथ ही सम्मान की। मैं हैरान था और मैं स्तब्ध रह गया जब मैंने ये सुना कि मेरे पिताजी छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी मां का और अपने परिवार का ख्याल रखना। वृंदावन जाने का अर्थ शक्तियों को इकट्ठा करने का वो एक तरीका था। वे वहीं पर हैं, इसी विचार में कि कृष्ण को दुनिया तक लाने के लिए क्या करना जरूरी है। यह निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। प्राचीन काल से अपने जीवन के अंत में व्यक्ति जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करे, इसका साक्षात्कार करना कि मेरा उस दिव्य पुरुष के साथ क्या संबंध है। पुस्तकों की लिखाई का वो कठिन दौर था जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवतम के उन पहले 3 खंडों को प्रकाशित किया था। साहित्य के विस्तीर्ण भंडार का निर्माण करके उन्होंने प्रज्ञावान संस्कृत मूल ग्रंथों का सार निकाला और उसे ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया जिसे 20वीं तथा 21वीं सदी के लोग समझ सके। इस एक ग्रंथ में संपूर्ण सृष्टि के सर्जन का वर्णन है। इस ग्रंथ में वो क्षमता है जो चेतना में एक आंदोलन को जगा सकती है जो उन्हें लगा कि उस वक्त की जरूरत थी। तो 3 हिस्से छापने के बाद फिर गुरु महाराज ने मुझे संकेत दिया कि अब तुम अमेरिका के लिए शुरुआत कर सकते हो। अभी तक तो कुछ नहीं किया गया है, तो कम से कम मुझे प्रयास करके देखने दो। ये कभी ना होने की बजाय देर से होना ज्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका जाना चाहेंगे। मैं चकित थी। मैंने कहा, स्वामी जी वहाँ मत जाइए, आपकी आयु बहुत हो चुकी है, वहाँ बहुत ठंडी होगी, आप सहन नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा, क्या आप पागल हैं? बूढ़े आदमी, आप वहाँ मरने जा रहे हो, वहाँ कौन आपका ध्यान रखेगा और आप वहाँ करेंगे क्या? फिर भी वे नहीं माने, तो मैंने कहा ठीक है और मैंने जलदूत से उनके जाने का प्रबंध करवा दिया।
तो हम बात करते हैं स्वामी एसी भक्तिवेदांत से। नमस्ते स्वामी जी। हाँ। इस जीवन की पूर्णता क्या है? इस जीवन की पूर्णता अपने आप को समझने में है। मैं क्या हूँ, यही शुरुआत है। मुझे दुख क्यों है? क्या इस दुख को मिटाने का कोई रास्ता है? तो अपने आप को जानना। हाँ, अपने आप को जानना। क्या आप हरे कृष्ण मंत्र जानते हैं? नहीं, शुरू करो। हमें बहुत प्रसिद्धि मिल रही थी। एलन कॉलमैन आए और वे रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। एक रेडियो स्टेशन था, WBAI, वैकल्पिक रेडियो, जो दिलचस्प बातचीत और वैकल्पिक संगीत के लिए जाना जाता था। और एक रात को उन्होंने रिकॉर्ड को बिना रुके बजाया, रात को 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। प्रभुपाद के आंदोलन की तेजी से बढ़ती हुई लोकप्रियता सच में समाज के ढांचे को परेशान कर रही थी, क्योंकि छात्र गलियों में जाके मंत्रों उच्चारण करके नाच रहे थे। ये एक तरह से सामान्य व्यवहार नहीं माना जाता था। इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। आप सबसे अलग नहीं रह सकते। हम ये स्टे हाई फॉरएवर नामक पैम्पलेट बनाया करते थे, जो लोगों को बहुत आकर्षित करते थे। लोग उन्हें देखते और कहते, वाह, वो नशे में है। वो इतने नशे में है कि खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है, वो भी सिर्फ मंत्र से। ज्यादा से ज्यादा ये युवा अमरीकी मेरे पास आए। फिर मैंने इस कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाया 1966 में। अगर आप सोचकर देखें, तो इसे हम संपूर्ण आत्मविश्वास कहते हैं। ये अविश्वसनीय था, एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी बना लेना। जब आप किसी दुकान में रह रहे हो और आपके पास कोई भी संसाधन नहीं है, उन लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं, और उन्होंने उन लोगों को विश्वास दिलाया, देखो ये वो है जो हम बनने जा रहे हैं। और वो पृथ्वी का गोला घुमाते और वे दुनिया के सभी देशों का अध्ययन कर रहे थे। और कभी कभी वे कहते, ब्रह्मानंद तुम रशिया जाओगे, गौर सुंदर तुम जापान जाओ। और उनकी योजना थी लोगों को सारी दुनिया में भेजना। लेकिन आपको समझना होगा, हमारे पास केवल 12 नवयुवक थे, तो वे हम में से प्रत्येक की आंखों में देख रहे थे और कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि तुम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक मंदिर खोलो। और उस समय में इतनी छोटी थी और इतनी जोश से भरी हुई थी, मैं केवल 16 वर्ष की थी। और मैंने ऐसे ही पूछा, क्या लड़कियां भी? प्रभुपाद ने मेरी तरफ देखा और कहा, लड़कियों और लड़कों में कोई फर्क नहीं है। जब तुम कृष्ण भावना के बारे में सिखा रही हो, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब मैं पश्चिमी समुद्र तट के लिए निकल रहा था और प्रभुपाद ने कहा, जब तुम वहां पहुंच जाओ तो एक सेंटर शुरू करने की कोशिश करना। और कहीं ना कहीं ये उनके सरल शब्द मेरे मन में बार बार घूमते रहे। एक कार आई और उसमें माइकल और जैन थे। वो न्यूयॉर्क से ड्राइव करके आए थे और एक स्वामी जी के बारे में बताना चाहते थे, जिससे वो मिले थे। उन्हें लगा कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। स्वामी जी से मिलने के बाद और उनसे दीक्षा लेने के बाद मैं जैसा बन गया था, इसलिए वे उत्साहित हुए। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में एक मंदिर बनाने के लिए मेरी मदद करने का निर्णय लिया, क्योंकि वे कैन कैसी के आंदोलन से जुड़े थे। सैन फ्रांसिस्को उन दिनों में एक सांस्कृतिक क्रांति का केंद्र था।
जिसे अब हम हिप्पी आंदोलन के नाम से जानते हैं, और इस छोटे से नगर में अचानक 1 लाख से ज्यादा युवा दिखने लगे। हिप्पियों का एक अद्भुत पहलू यह था कि वे खोज रहे थे, वे अन्वेषक थे, वे वास्तव में उन्हें जो परोसा जा रहा था उससे कुछ बेहतर चाहते थे। The Evelyn Ballroom बहुत पुराना नृत्य का स्थान था और हर सप्ताह के अंत में वहां रॉक एंड रोल नृत्य की प्रस्तुति होती थी। रॉक नृत्य बहुत बढ़िया होते थे, वे सस्ते और कमाल के कलाकार थे और हम सभी एक दूसरे को जानते थे। हमारे पास स्वामी जी के रहने का घर ढूंढने के लिए पैसे नहीं थे। यदि ग्रेटफुल डेड हमारे साथ चैरिटी कॉन्सर्ट करने को तैयार हो जाते तो हम पैसे जमा कर सकते थे, और फिर हमने कोशिश करके इन बैंड्स को मुफ्त में प्रस्तुति के लिए मनाया। तो हमने स्वामी को न्यूयॉर्क से बुलाने के लिए टिकट भेजी। स्वामी आते हैं, राल्फ नाम का कुत्ता आसपास घूम रहा है। तुरंत ही हम उस व्यक्ति को देखते हैं, वे उन सबसे अलग है जिन्हें अभी तक हमने देखा है। वे हमारे लिए कोई बूढ़े व्यक्ति नहीं थे, वे इतने नए, युवा और उमंग से भरे हुए लग रहे थे। वो बहुत बड़ा कार्यक्रम बन गया, उसका नाम मंत्र रॉक डांस था और उसमें टिमोथी लियरी आए, और चूंकि एलन गिन्सबर्ग उनका परिचय देने के लिए वहाँ थे तो एक बढ़िया प्रस्तुति बन गई। हमें डर था कि हेल एंजल्स लोग आकर अर्चन डाल सकते हैं, तो हमने उन्हें अपना सुरक्षा रक्षक बना लिया। उस संध्या की मुख्य बात थी प्रभुपाद का भाषण। यद्यपि ये रविवार की रात थी पर वे जगह लोगों से खचाखच भरी थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि हम इस दिव्य शब्द का उच्चारण करते हैं सावधानी पूर्वक और भक्ति भाव के साथ तो ये सबसे बड़ा योग और ध्यान है। और फिर सभी बैंड्स मंच पर आए और उन्होंने स्वेच्छा से कीर्तन शुरू किया, जैसे पूरे हॉल में बिजली दौड़ गई हो। सभी ने इसे महसूस किया। मैं देख सकता था कि उन्हें यह बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत आनंद आया, वे उसमें भाव विभोर हो गए। उन्होंने उस कमरे में सभी के अंदर कुछ प्राप्त करने की छोटी सी आशा देखी और उसे बहुत बड़ा बना दिया। तब स्वामी के लिए मेरा सम्मान करोड़ों गुना और बढ़ गया। वे आध्यात्मिकता की मूर्ति थे और उनके शिष्यों को भी वही चाहिए था। शिष्यों ने कहा, हमें इसका कुछ अंश चाहिए, उनके पास जो भी है हमें वो चाहिए। यही तो गुरु होता है। बहुत सारे हिप्पी तो वास्तव में प्रभुपाद से प्रेम करने लगे थे और भक्तों से प्रेम करने लगे थे, और इस समय उन्होंने हरे कृष्ण को हिप्पी धर्म मान लिया था। यदि अमेरिका में हर किसी को कृष्ण पर विश्वास हो जाए जितना आपको है, तो इस देश का क्या होगा? यह किस तरह से बदल जाएगा? वे सब कुछ बहुत शांत और प्रसन्न रहने लगेंगे। यहां कोई हिप्पी नहीं रहेगा। हिप्पी से आपका क्या मतलब है? जो सिगरेट पीता है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कुछ जो सबसे अलग है। और वो प्रतिदिन हमारे साथ बैठते सुबह और शाम और हमें कृष्ण और उनके दर्शन शास्त्र के बारे में बताते। प्रभुपाद, कृष्ण कौन है? कृष्ण एक ऐतिहासिक व्यक्ति ही नहीं अपितु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कभी कभी लोग तर्क देते हैं कि भगवान नहीं आ सकते और वे अवतार नहीं ले सकते, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। यदि हम कहेंगे कि भगवान नहीं आ सकते
तो इसका अर्थ भगवान हमारी आज्ञा के अधीन हुए। लेकिन वे इतने महान हैं और स्वतंत्र भी, तो वे क्यों नहीं आएंगे? यदि वे चाहें तो वे आ सकते हैं। यदि वे सच में महान हैं, तो वे जो चाहे कर सकते हैं। इसे ही भगवान कहते हैं। हमारा जीवन वहाँ अत्यंत अद्भुत था। वह बहुत ही बढ़िया था। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जितना अच्छा वह हो सकता था वह उतना था। वह एक परिवार की तरह था। फिर एक दिन वे थर थर कांपने लगे। स्वामी जी को दिल का दौरा आया। ऐसा लग रहा था कि वे संसार को छोड़कर जा रहे हैं, और इसीलिए भक्तगण लगातार प्रार्थना कर रहे थे। पूरी रात सैन फ्रांसिस्को में, पूरी रात न्यूयॉर्क में हम कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे, कृपया उन्हें हमसे दूर मत कीजिए। वे अभी अभी यहाँ आए हैं, कृपया हमें थोड़ा और वक्त दीजिए। हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि वे बीमार हैं या बूढ़े हैं। वे तो बस इस आंदोलन के नेता थे और हम लोग सिर्फ उन पर आश्रित थे, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि उनके बिना हम कैसे जिएंगे। हृदय कमजोर हो चुका था, स्वास्थ्य टूट चुका था, मैं बहुत बीमार था। मुझे लगा कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, तो मुझे वृंदावन जाने दो और वहां शरीर छोड़ने दो। हम सच में व्याकुल हुए, क्योंकि हमें लगा कि यदि वे भारत गए तो वे वहीं रह जाएंगे, और हमें पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने हमसे कहा, बस आप हरे कृष्ण का जप करते रहिए, हम सभी सदा साथ में ही होंगे। आप यहाँ जप कर रहे होंगे और मैं वहाँ जप करता रहूँगा, और इसकी तरंगे पूरे पृथ्वी लोक में फैल जाएगी। वे भक्ति सिद्धांत के चित्र की ओर मुड़ते हैं और वो कहते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, इनका हमारे आध्यात्म ज्ञान और साधना में प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पाया है, पर ये बहुत प्रामाणिक और उत्साहित है। ये आपका आंदोलन है और ये आपके ही लोग हैं, कृपया इनकी देखभाल कीजिए। हम निराश थे, हम इस कल्पना को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि शायद वे कभी वापस नहीं आएंगे। पांच महीनों तक हम शोक में डूबे रहे। वो हमारे पास वापस आ गए। अब हमें आगे बढ़ना था, हमें उनसे सीखना था जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सके। शुरुआत से ही हमारा ये उद्देश्य था कि चलो प्रभुपाद के लिए कुछ बड़ा करते हैं, और 1968 में बीटल से बड़ा कुछ भी नहीं था। हमें खबर मिली कि बीटल्स भारत में ऋषिकेश में हैं, और वहां वे किसी गुरु से शिक्षा ले रहे हैं। फिर लाइफ मैगजीन में बहुत बड़ी खबर छपी और उनके नए रिकॉर्ड निकले पूर्वी दर्शन शास्त्र के बारे में, नए गानों के साथ, जो हमें बहुत प्यारे लगे।
तो मुझे ये विचार आया, लंदन जाकर प्रभुपाद के लिए एक आश्रम शुरू करूं और इन बीटल्स से मिलूं। जब हम इंग्लैंड गए तो हमें सबसे पहले इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ जगह बनाने के लिए हमें इतने बड़े शहर में लोगों के बीच अलग पहचान बनानी होगी। हमने अपने सिर मुंडवा लिए। उस क्षण तक अपने घुंघराले बालों को मुंडवाने का ख्याल मुझे डरा देता था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और ना ही हम खुद पर ये चादर बांधना चाहते थे। पीले रंग की चादर हमारा पहला रंग। हमें लगा कि पीला रंग शायद लंदन के हिसाब से सही रहेगा। हमने अपना नाम रखा राधा कृष्ण मंदिर का रॉक ग्रुप। हमारे रॉक कॉन्सर्ट में लोग इकट्ठा होने लगे। हम लगभग हर दिन एप्पल के ऑफिस में जाते थे। वहां के कर्मचारियों को और सभी को पुस्तकें और भोजन प्रसाद बांटते थे। हमें पता भी नहीं था कि जॉर्ज हैरिसन के हाथों में स्वामी का रिकॉर्ड आया था। उस रिकॉर्ड का नाम कृष्ण कॉन्शियसनेस था और उसने मुझे बाद में बताया कि वो उसे लगभग हर दिन सुन रहा था। बीटल्स के जरिए मैंने बहुत सी चीजों का अनुभव किया और मैं बहुत से लोगों से मिला, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि असल में वहाँ कुछ भी नहीं था जिससे मुझे जोश मिलता। मुझे उससे कुछ बेहतर चाहिए था। मैं सोच रहा था मुझे किसी ऐसे मनुष्य से मिलना चाहिए जो मुझे प्रभावित कर सके। स्वामी जी ने एल्बम के लिए जो प्रस्तावना लिखी थी उसे उसने कंठस्थ कर लिया था। आध्यात्मिक जीवात्मा होने के नाते हम सब मूल रूप में कृष्ण भावना भावित आत्मा है, परंतु अनादिकाल से जड़ पदार्थ के संपर्क के कारण हमारी चेतना अब दूषित हो चुकी है। जीवन की संकल्पना में हम सभी भौतिक प्रकृति के संसाधनों का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वास्तव में हम उसकी जटिलताओं में अधिकाधिक फंसते चले जा रहे हैं। एक दिन मैं एप्पल रिकॉर्ड ऑफिस में पहुंचा और जॉर्ज हैरिसन वहां था। उसने मुझे कहीं पीछे कुछ लोगों के साथ बैठे हुए देखा। उसने दरवाजा खोला और कहा, तुम कहां थे? मैं तुमसे मिलने के लिए कब से प्रतीक्षा कर रहा था। जॉर्ज हमसे मिलने के लिए कॉवेंट गार्डन में एक गोदाम में आया जहां हम रहते थे। उसे हरे कृष्ण मंत्र इतना अच्छा लगा कि उसने तुरंत कहा, चलो 45 रिकॉर्ड बनाते हैं। तो हम सभी एबी रोड स्टूडियो में गए, वहां रिकॉर्ड बनाया हरे कृष्ण मंत्र। हम में से किसी ने भी ऐसा पहले कभी नहीं किया था। पॉल मैकार्टनी वहां पर थे और उन्होंने कंट्रोल बूथ से उसे मिक्स करने का जिम्मा उठाया और जॉर्ज ने हमारे साथ गाया। उनके पास बैठकर बजाने वाला एक हारमोनियम था जिस पर फूल बने हुए थे और फिर एप्पल के कर्मचारी सभी कोरस में शामिल हुए। पहले ही दिन उस रिकॉर्ड की 70,000 कापियां बिकी। एप्पल ने हमारे लिए सैर का आयोजन किया। हम जर्मनी और फ्रांस गए और हमें टीवी पर भी दिखाया गया। संडे टाइम्स हमारे पहले पन्ने पर खबर छापना चाहता था और हम श्रील प्रभुपाद को संदेश भिजवा सके इस शीर्षक के साथ कृष्ण भावना लंदन को चौंका देती है। मेरा स्वामी भक्तिवेदांत, जिन्होंने कृष्ण मंदिर बनाया था, उनके साथ काफी हद तक मित्रता वाला संबंध बन गया था। वे मुझे बुलाते और कहते, मंदिर आइए, स्वामी जी आए हैं और उन्हें आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी। और मुझे बुरे सपने आने लगते। मैं सोचता कि मंदिर में कैसे जा सकता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। लेकिन फिर मैं जाता था और वापस आते समय मैं हमेशा यही सोचता, ओह धन्यवाद भगवान। और एक बार उसने मुझसे कहा, मैं कृष्ण के लिए गाना चाहता हूँ। हम एप्पल में बैक स्टेज पर थे और उसने कहा, ये सुनिए गाना, और उसने गाया माय स्वीट लॉर्ड। हरे कृष्ण
संगीत एक चाबी है जिसने सच में योग और वैदिक शास्त्रों के दरवाजे खोल दिए, जो सच में हर चीज की नींव है। उसने मेरे जीवन में एक तरह से रीढ़ की हड्डी का काम किया। कृष्ण ने कहा, ऐसा कोई काल नहीं था जब हम नहीं थे और ऐसा कोई काल नहीं होगा जब हम नहीं होंगे। अगर कुछ बदलता है तो वो है हमारा शरीर। जब जॉर्ज ने ऐसा परिचय करवाया तो वो पूरी दुनिया में फैल गया। जीवन एक साहसिक कर्म था। वे मुझे अंदर बुलाते और कहते, हमें पेरिस, मुंबई से और सिडनी से बुलावा आया है और एक अभी अभी नैरोबी से आया है। तुम्हारे विचार से हमें कहाँ जाना चाहिए? मुझे पता था कि मुझे कोई खतरनाक जॉब देना था। मुझे लगता कि हमें नैरोबी जाना चाहिए प्रभुपाद। मैं भी यही सोच रहा था। वे हमेशा ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां पर कम से कम विकास हुआ हो, जहां वे ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके। जो ऊर्जा उनमें दिखती वे बेजोड़ थी। मैं 20 या 22 वर्ष का होने के बावजूद उनके आगे कहीं टिक नहीं पाता था। फिर 60 के दशक के अंत में और 70 के दशक की शुरुआत में इस्कॉन उभर कर आया। चारों तरफ से लोग शामिल हो रहे थे। वे सब कुछ अपने खतों के द्वारा संभालते थे। प्रभुपाद को सैकड़ों शिष्यों से चिट्ठियां आ रही थी और वे स्वयं एक एक को उत्तर लिखते थे। प्रभुपाद को कभी कोई ऐसा पत्र नहीं आया जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया हो। श्रील प्रभुपाद की चिट्ठियों की वजह से ही हम शायद कभी रुके नहीं, और जब भी प्रभुपाद कोई चिट्ठी भेजते तो उसे ऊंचा ऊंचा पढ़ा जाता था। और उनमें से कुछ चिट्ठियां तो 2 से 3 पन्नों की होती थी जिसमें वे हर एक बात का उत्तर लिखते थे। उसमें लिखा होता था, ऐसा करो, तुम ऐसा करना, और वैसे मेलोनी की खांसी के लिए तुम्हें उसे ये वाला सिरप देना चाहिए। यानी कि हर छोटी से छोटी बात। बहुत बार मैं हॉल में किसी से कानाफूसी कर रहा होता था, नहीं तुम उनसे अभी नहीं मिल सकते, और मुझे आवाज आती, आने दो उन्हें। कैसे हो तुम? बेहतर दिख रहे हो, पहले से अच्छे दिख रहे हो। जब मैंने तुम्हें पिछले साल वृंदावन में देखा था, जो भी आता था वे सबसे मिलते थे। प्रभुपाद के पास सबके लिए समय था। बात यह है कि हमें लोन को रोक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगले 3 महीनों तक हमारा सारा पैसा इन 17 पुस्तकों को छपवाने में लगेगा। सबसे पहले पुस्तकें, फिर लोन। हम छपाई नहीं रोक सकते, ये संभव नहीं है। अमेरिकन बीबीटी भक्ति विधान बुक ट्रस्ट का प्रमुख होने के नाते मैं वो व्यक्ति था जिसे प्रभुपाद कहते थे, ठीक है अभी यहाँ पैसा भेजो, अभी वहाँ पैसा भेजो। तो मैं देख रहा था कि प्रभुपाद पुस्तक वितरण के माध्यम से हरे कृष्ण आंदोलन को फैला रहे थे। यदि किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जानना है तो वो उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, उन्हें मानसिक तर्क द्वारा नहीं समझा जा सकता। वे अक्सर तभी अनुवाद करते थे जब अन्य सभी लोग सो जाते थे, रात को 11 से सुबह के 3 या 4 बजे तक। आप सोच सकते हैं कि उनकी उम्र में इतनी सारी पुस्तकों का अनुवाद करना, गीता, श्रीमद् भागवतम, जो कि बहुत बड़ा काम था, 18,000 श्लोकों का अनुवाद करना, हर श्लोक पर टीका लिखना, वो शक्ति, वो आतुरता और वो करुणा जो हर एक पंक्ति में नजर आती थी, उनके शब्दों में बहुत शक्ति थी, उनके हृदय का पूरा भाव उसमें उभर कर आ जाता था।
उन्होंने सच में लोगों का जीवन बदल दिया था अपने सरल अनुवाद, टिकाओ और तात्पर्यों के जरिए। वास्तव में उनका प्रस्तुतिकरण बहुत ही विद्वतापूर्ण होता था। वे चाहते थे कि बुद्धिमान वर्ग के लोग इन ग्रंथों का परीक्षण और अन्वेषण करें, और उन्होंने सभी प्रकार के व्यक्तियों से उनका परीक्षण अन्वेषण करवाया। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। ये भगवान की व्यवस्था है। प्रभुपाद ने प्रकृति के साथ मेलजोल बिठाकर जीने का और आत्मनिर्भर कृषि समुदाय बनाने का प्रचार किया, और इसका कि भगवान के सभी उपहारों का हमें लाभ उठाना चाहिए और कृत्रिम रूप से उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति की देन को यथारूप स्वीकार करना चाहिए। मैं विश्व भर में घूम चुका हूँ, कितनी जमीन खाली पड़ी है, और अगर हम उस पर अनाज उगाएं, तो हम सब आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा लोगों को खाना खिला सकते हैं। कमी का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। इन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार का मानक स्थापित किया और दिखा दिया कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन और तुम उसकी अच्छी देखभाल करते हो और तुम पशुओं की रक्षा करते हो, खास तौर पर गाय की, तो तुम आत्मनिर्भर हो सकते हो और उसमें से सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। हरे कृष्णा एक ऐसी परंपरा थी जो बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। भगवद गीता और दूसरे ग्रंथों का यूरोपियन, अफ्रीकी और एशियाई भाषाओं में अनुवाद किया गया। जहां भी लोग जाते थे हरे कृष्णा होता था। कॉमेडियन हवाई अड्डों पर हरे कृष्ण के बारे में चुटकुले सुनाते थे। रात्रि के भोजन में अंकुरित बीज एवं फूल गोभी मिलेगी। है मंत्रो उच्चारण वाले चाहिए या उसके बिना? मंत्रो उच्चारण वाले। कृष्ण घर घर का शब्द बन गया था और वो संस्कृति का हिस्सा बन गया था। सुनो सुनो, तुम बेंजो वाले, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या तुमने कृष्ण बोलकर देखा? ना। एक बात बताइए, पुनर्जन्म का मतलब क्या है? कि मेरी आत्मा किसी दूसरे मनुष्य में चली जाएगी और मैं फिर से चूहा या कीड़ा बनकर वापस जन्म लूंगा? हमारी पुस्तक लीजिए, इसे पढ़िए और इसके बारे में सोचिए। बाजार से वापस आते हुए मेरा मूड बहुत खराब था, और फिर मुझे बहुत अच्छे इंसान मिले, हरे कृष्ण वाले। उन्होंने मुझे गाना सुनाया और उन्होंने मुझे चावल दिए। बस इसी की तो मुझे जरूरत थी। यदि मुझे खाना नहीं बनाना होता तो मैं भी उनकी वैन में ही चली जाती। मैं समझता हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बाइबल, कुरान आदि ग्रंथों से आपका कोई मतभेद या परस्पर विरोध नहीं है? नहीं, क्योंकि अंतिम उद्देश्य तो एक ही है, भगवान। तो आपको भगवान को समझना होगा और उनसे प्रेम करना होगा, तो आप किसी भी धार्मिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। यदि आपने लक्ष्य हासिल कर लिया, अर्थात आप समझ गए कि भगवान क्या है, और आप उनसे प्रेम करने का प्रयास करते हैं, तो आपका जीवन परिपूर्ण है। यदि प्रभुपाद को लग रहा होगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो निर्भयता से उसके बारे में बोलेंगे। क्यों तुम्हें जन्म लेना पड़ता है? क्यों तुम्हें मरना पड़ता है? क्यों तुम्हें बीमार होना पड़ता है? क्यों तुम्हें बूढ़ा होना पड़ता है? यही तो समस्याएं हैं। ये समस्याएं हैं, और ये समस्याएं जीवन के मानव रूप में ही हल की जा सकती है। वे बहादुर एवं साहसी थे। कितने वर्षों तक वे कहते रहे, मैं कम्युनिस्ट देशों में जाना चाहता हूँ। सभी ने कहा, नहीं, संभव नहीं है, आप वहाँ नहीं जा सकते। हम अभी अभी क्यूबा के मिसाइल संकट से गुजरे थे। 1971 में किसी अमेरिकी निवासी को रूस जाने का वीजा मिला हो, ऐसा किसी ने सुना नहीं था। मुझे नहीं पता था ये कैसे हुआ।
जब मैं मॉस्को हवाई अड्डे पर पहुंचा और जैसे ही उन्हें भगवद गीता मिली तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। कस्टम वालों ने तलाशी ली। पुलिस वाला काफी नरम दिल था। उसने कहा, कोई जुर्म नहीं है, इन्हें बंदी शिविर में मत भेजो। जैसे ही हम किसी चर्च के पास से गुजरते थे, वैसे ही हमें चर्च के सामने सैनिक बंदूक के लिए खड़े दिखते थे। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा रहा था। प्रभुपाद ने बाद में कहा, रूस के आम लोग आध्यात्मिक हैं, पर उनके नेताओं की वजह से वे भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं कुछ पैसे बदलवाने के लिए बैंक गया था। बैंक के बाहर दो लड़के थे और वे मेरे पास आए। क्या तुम्हारे पास बीटल्स का कोई रिकॉर्ड है? मैंने कहा, नहीं, पर ये बीटल्स मेरे गुरु से मिले थे और गुरुजी अभी होटल में हैं। वाह! और वो मेरे साथ प्रभुपाद से मिलने आए। उनमें से एक रूसी लड़का प्रभुपाद के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द पी गया। उसने तभी कुछ अहम सवाल पूछे, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मैं यहां किस लिए हूं, वास्तविक काम क्या है। और प्रभुपाद ने उसके सभी सवालों का जवाब दिया और अच्छे से समझाया। उन्होंने पूरी तरह से उसे विश्वास दिलाया कि ये मिशन उसे अपने हाथों में लेना चाहिए और चाहे उसके लिए कोई भी खतरा उठाना पड़े। धार्मिक किताबें पढ़ना मना था। अगर कोई धार्मिक किताब छापते हुए पकड़ा गया तो उसे मृत्यु सजा हो सकती थी। मैंने उसे अपनी भगवद गीता दी और उस मूल ग्रंथ से उसने उसकी नकल की और उसका अनुवाद किया और कम्युनिस्टों के समय में उसने उसे पूरे रशिया में फैला दिया और कुछ किताबों को देश में तस्करी करके लाया गया और वे लोग उन पुस्तकों की फोटो प्रतियां बनाते थे। मैं एक फ्लैट में गया और मैंने देखा कि कैसे सारे भक्त बैठे हुए थे। उनके हाथों में हर एक पन्ने की फोटो प्रतियां थी और वे लोग पुस्तकों को सिला रहे थे। फिर वे उन्हें एक साथ बांध कर बाहर ले जाते थे और उस छोटे से बीच से बाद में हजारों कृष्ण भक्त निर्माण हुए। हम सभी को सितंबर महीने के अंत में 20 नामों की सूची वाला एक खत प्राप्त हुआ। मैं चाहता हूं कि ये लोग भारत आकर मेरे साथ जुड़े। मैंने उन सूची में देखा, उस सूची में मेरा नाम था। मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया, आखिरकार भारत। और वे पश्चिमी लोगों को वापस लेकर आए, भगवे कपड़े पहने हुए, मुंडे हुए सिर, शिखा, पवित्र मिट्टी की तिलक, साड़ी पहनी हुई औरतें। मेरा मतलब एक अविश्वसनीय दृश्य था। अमेरिकी यूरोपियन लड़के और लड़कियां, और इसने पूरे भारत में तूफान मचा दिया। भारत में किसी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। पश्चिम से आए हुए साधु लोग आते थे और वे ऐसे जाते थे हमारी चमड़ी को देखते हुए कि मानो शायद कभी यह सफेदी बाहर निकल आए। पूरा नगर कृष्ण भावना में झूम रहा था। पूरे नगर में भक्ति भाव की लहर दौड़ रही थी। प्रभुपाद भक्तों को वापस भारत लेकर आए क्योंकि वे भारत के लोगों को जगाना और बताना चाहते थे कि सबसे बड़ा खजाना है हमारे अपने देश की विरासत, पर तुम उसे भूल गए हो, इसे नजरअंदाज किया। मैं इन लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ तुम्हें याद दिलाने के लिए जो तुम भूल चुके हो। भारत अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, तो जब वे इतने सारे गोरे शिष्यों के साथ आए तो भारतीय लोग चकित हो गए और उन्हें इस पर गर्व महसूस हुआ क्योंकि हमारी संस्कृति को पश्चिमी लोगों ने अपनाया। और फिर हमने बड़े बड़े त्योहार का आयोजन शुरू किया। हमें मुंबई के मध्यवर्ती इलाके में त्योहार मनाने के लिए एक जगह मिली। हमने एक विशाल भव्य पंडाल लगाया। उन 10 दिनों के अंदर लाखों लोगों ने वहां बैठकर स्वामी जी का प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त किया। यह है रथ यात्रा उत्सव लंदन के मध्य में आता हुआ जगन्नाथपुरी भारत से। भारत में ये 2000 वर्ष पुराना त्योहार है जिसमें हर वर्ष 10 लाख से ज्यादा लोग भाग लेते हैं। यहाँ मार्बल आर्च पर भक्तों की संख्या बेशक कम है, परंतु कृष्ण भावना में अपना शाश्वत आनंद हासिल करने की इनकी इच्छा में कोई कमी नहीं है।
रथ यात्रा का ये त्योहार एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जिसका प्रभुपाद ने पश्चिम को परिचय करवाया। भगवान की मूर्तियां पूरा साल मंदिर में रहती हैं और आज का वो दिन है जब भगवान का विग्रह मंदिर के बाहर आते हैं ताकि हर व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सके। लोग सच में इस बात से सहमत होते हुए दिख रहे हैं। ये प्रभुपाद की जीत थी। ये रथ यात्रा लंदन के प्रमुख उपमार्गों से निकलकर ट्राफलगर स्क्वायर तक पहुंचती थी और प्रभुपाद पूरे मार्ग में केवल नृत्य करते हुए चल रहे थे। ये तो लंदन को जीतना हुआ। उन्होंने ब्रिटिश पर विजय हासिल की। जब वे युवक थे, जब वे पहली बार अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले थे, तब वे गांधी जी के आंदोलन में थे। वे ब्रिटिश राज में रुचि नहीं रखते थे और अभी वे आए और उन्होंने ब्रिटेन को अपने अधीन कर लिया। हम सभी इतने अल्प वयस्क थे और बड़ी चीजों को चलाने में पटु नहीं थे और ये सारी चीजें जो तेजी से बढ़ रही थी, उन्होंने दो मंदिरों से शुरुआत की थी और जब तक वे भारत में वापस लौटे तब तक पूरे विश्व में 50 केंद्र बन चुके थे। इसका अर्थ ऐसे समर्पित केंद्र जहां भक्तगण रहते थे और कृष्ण भावना का प्रचार करते थे। और ये गजब का समय था। हम बहुत उत्तेजित थे और हम क्रांतिकारी बनते जा रहे थे, अर्थात ऐसे लोग जो दुनिया को बदल देना चाहते हैं। उनके सभी शिष्य हिप्पी नहीं थे, वहाँ ऐसे भी लोग थे जिनके पास ठोस पूंजियां और हासिलियत थी, पर आध्यात्मिक तौर पर हम सब बच्चे थे और प्रभुपाद इस बात को जानते थे, किंतु वे ये भी जानते थे कि ये आपातकालीन स्थिति थी। जितना भी समय उनके पास बचा था उसमें उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नींव का आधार स्तंभ खड़ा करना था और उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि हम सिद्धांतों का पालन करते हैं और अपनी शुद्धता बरकरार रखते हैं तो हम विजयी होंगे। गुरु प्रेरणा देते हैं, सिखाते हैं, एक सकारात्मक दिशा स्थापित करते हैं, किंतु आखिर में हमें अपना आध्यात्मिक जीवन खुद जीना पड़ता है। गलतियां करना किसी भी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है और प्रभुपाद को यह पता था कि गलतियां तो होने ही वाली है। धीरे धीरे हमने सीखा कि प्रभुपाद की पुस्तक को कैसे बांटना है। पैसा आने लगा और कुछ लोग जो विक्रेता थे उन्होंने फैसला किया। कभी कभी विक्रेता को थोड़ा बहुत सच बढ़ा के बोलना पड़ता है और लोग जाके प्रभुपाद से कहते कि आपको पता है कि विक्रेता कहते हैं कि किताब का पैसा बांग्लादेश जाता है। प्रभुपाद ने कहा अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो पैसा वहां जाना ही चाहिए। और उन्होंने कहा तुम्हें सीखना होगा कि लोगों को किताब खरीदने के लिए कैसे राजी करना है। एक आध्यात्मिक विक्रेता की यही तो पवित्रता है। हम उनकी बात समझते थे परंतु थोड़ा गुस्सा जल्दी आता था। बहुत लोगों का मानना था कि हरे कृष्ण समुदाय के लोग केवल बेकार में शोर मचाते हैं, उन्हें खतरनाक धर्म के कट्टरपंथी जैसे शब्दों से बुलाया जाता है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें गलत समझा जा रहा है। वे धार्मिक दुनिया के माफिया हैं। बात यह है कि वे यूनाइटेड स्टेट के खतरनाक लोगों से जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। हाँ, बिल्कुल। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हरे कृष्ण का मुख्य उद्देश्य गुनाह बढ़ाना है? हाँ। विद्वान लोग उसे NRM कहते हैं, द न्यू रिलीजियस मूवमेंट। ये कहानी एक माँ बाप के बुरे सपने की, एक परिवार की जिनकी बेटी गायब हो गई। जब आखिरकार उन्हें वह मिली तो उन्हें उससे बात करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वह उस समुदाय में शामिल हुई थी। हजारों जवान लोग अपने पुराने धर्मों को छोड़ के NRM में शामिल हो रहे थे। माता पिता और धार्मिक नेता इनके साथ पिसते जा रहे थे। चेरिल ज़िमेरा 18 साल की है। थोड़े महीने पहले धार्मिक समुदाय में जुड़ने से पहले वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और नौकरी करती थी। अपने आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद वो खुश है, पर उसकी माँ और आंटी को ऐसा नहीं लगता। उसने इसकी वजह से यूनिवर्सिटी, नौकरी सब कुछ छोड़ दिया। मुझे इसमें थोड़ा भी भविष्य नजर नहीं आ रहा है। आने वाले 10 सालों में क्या होगा? आपकी माँ परेशान है कि आपको बहकाया गया है
तो क्या आपको माँ की कोई फिकर नहीं है? हाँ, पता है कि वे चिंता कर रही है, पर उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके माँ बाप सावधान हो गए। वे लोग वास्तव में लोगों का अपहरण कर रहे थे। आप सड़क पे चल रहे होंगे तो वे आपको गाड़ी में उठाकर ले जाएंगे और वो कहेंगे तुम्हारे माता पिता पीछे की गाड़ी में हैं, कुछ बात करनी है, और वे तुम्हें होटल में रखेंगे। माँ बाप पैसे देकर लोगों को हमारा अपहरण करवा रहे थे और हमारा दिमाग ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस प्रकार दिमाग ठिकाने लाने का भी एक धंधा शुरू हो गया। क्या आपको लगता है कि इन लोगों के पास दिमाग को वशीभूत करने का कोई तरीका है जो खतरनाक है? हाँ, हरे कृष्ण वाले इनमें सबसे बड़े हैं और वे उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो तकनीक गयाना, जिम जॉन्स या हिटलर से अलग नहीं है। एंटी कल्ट आंदोलन ने ये सिद्धांत बनाया कि जो कोई भी इन आंदोलनों में शामिल हो रहा होगा वो ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कर रहा होगा, उसके मन को वश में करके ही ऐसा करवाया जा रहा होगा या उनको बहकाया गया है। हाँ, प्रभुपाद ने बहुत बार स्वीकार भी किया, हाँ हम दिमाग की धुलाई कर रहे हैं, दिमाग बहुत गंदा हो गया है इसलिए साफ कर रहे हैं। ये केस था पीपल विरुद्ध मर्फी। दो भक्तों पर गुनाहगारी का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट में। ये हमारे सारे तत्वों पर हमला था जिनका हम पालन करते हैं, भगवत गीता के मूल सिद्धांतों पर हमला, कि भगवत गीता ही तो दिमाग को वश में करने का तरीका है। प्रभुपाद ने कहा हमारे बचाव के लिए बयान होगा पूरा श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत। उन्होंने कहा तुम हमारी सारी पुस्तकें सामने रख देना, ठीक है, चलने दो केस को सालों तक। जितना उन पर वार किया गया उतने ही वे शक्तिशाली बनते गए। वे एक योद्धा थे। प्रभुपाद को सच की लड़ाई लड़ना पसंद था। 6 महीनों के बाद अंत में न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस लीही ने कहा ये एक सच्चे धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, इसकी जड़ें भारत में हैं और ये धर्म कई हजार वर्षों से चलता आ रहा है। हमें हक है, पूरा हक है इस देश में किसी भी चीज पर विश्वास करने का जो हम चाहते हैं। इसे हमेशा एक ऐतिहासिक क्षण माना गया है। इसका जिक्र हर लॉ रिव्यू आर्टिकल में मिलेगा। इसका जिक्र एंटी कल्ट आंदोलन के इतिहास पर छपे सभी आर्टिकल्स में मिलेगा। इसका पूरे देश पर प्रभाव पड़ा। बात यह है कि यह प्रभुपाद की सबसे बड़ी जीत थी। यदि आप कृपया कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे और हर्ष विभोर होकर कीर्तन व नृत्य करेंगे भगवान के भक्ति में प्रेम के साथ, तो पूरा जगत आपके पीछे पीछे चलेगा और ये जगत वैकुंठ बन जाएगा जहाँ कोई भी दुख या कष्ट नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद का विश्वास था कि कृष्ण प्रेम हर मुसीबत को दूर कर सकता है। भगवान के प्रेम में बहुत शक्ति है जो किसी अन्य चीज में नहीं है, और ये प्रेम सुनामी की तरह चारों ओर फैल जाएगा। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा जिसने मुझे चौंकाया ना हो। ऐसा कोई पल नहीं आया जब मैं उनके दरवाजे तक अंदर जाने के लिए पहुंचा और मैं पूरी तरह से उत्तेजना से भरा हुआ ना हो। नहीं पता था जिस पल मैं दरवाजा खोलूंगा क्या होगा।
प्रभुपाद सब गुरुओं से एकदम अलग थे। उनके बोलने और उनके जीने की पद्धति में बिल्कुल भी अंतर नहीं था। उन्होंने भक्तों में हमेशा प्रेम बांटा है और उनके भक्तों ने वही प्रेम एक दूसरे के साथ बांटा। यह वह कड़ी है जिसने उनके आंदोलन को एक सूत्र में बांध कर रखा है और यही उनकी अंतिम इच्छा थी। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो एक दूसरे से मतभेद होने के बावजूद भी तुम साथ मिलकर काम करना। मेरे प्रिय बच्चों और बच्चियों, मुझे चेतावनी मिल चुकी है, मुझे दिल का कड़ा दौरा आ चुका है। तो चैतन्य महाप्रभु का लक्ष्य अब तुम्हारे हाथों में है। मैं यहां बैठा हूं, परंतु मेरे हृदय में हमेशा वृंदावन में उस पवित्र स्थान पर जाने की इच्छा रहती है। उनका शरीर जर्जर हो चला था, परंतु उनका मन जरा भी अशांत नहीं था। आप देख सकते थे, यहाँ वो व्यक्ति है जो सच्चाई में समझता है कि वो ये शरीर नहीं है। गोलोक धाम जाने के 2 सप्ताह पहले तक वे भागवतम का अनुवाद कर रहे थे और मैंने स्वयं ये दृश्य देखा है। हमें ये शाश्वत जीवन मिला है और शाश्वत जीवन में हमें अपार स्वतंत्रता मिली है और अपार शक्ति मिली है। मैं तुम्हारे देश में आया अकेला, केवल इन झांझों के साथ, और अभी आप इतने सारे लोग हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे हो, यही मेरी सफलता है। हर चीज कार्य कर रही है, चल रही है कृष्ण की परम इच्छा अनुसार। ये भावना ही कृष्ण भावना है। ऐसे भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद का तिरोभाव 14 नवंबर 1977 को हुआ। श्रील प्रभुपाद ने 12 वर्षों में 14 बार पूरे पृथ्वीलोक का भ्रमण किया। उन्होंने पृथ्वी के 6 खंडों पर 108 मंदिरों की स्थापना की। अपनी 6 करोड़ पुस्तकों का 25 भाषाओं में किया गया वितरण अपनी आंखों से देखा। कृष्ण भावना का पूरी दुनिया को परिचय करवाया। आज 820 मंदिर, कृषि समुदाय, भोजनालय, पाठशालाएं और महाविद्यालय, 50 करोड़ पुस्तकें 87 भाषाओं में वितरित हुई हैं। शाकाहारी भोजन प्रसाद की 3 अरब थालियां वितरित हुई हैं। One more time, yeah.